तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपके साथ बातचीत किया था कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। कस्टम फॉर्मेटिंग क्या था? नंबर्स के ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग को करता था, कस्टम फॉर्मेटिंग करता था, अपने तरीके से कस्टम तरीके से फॉर्मेट करते थे, अपने खुद की फॉर्मेटिंग यूज करते थे। पर अब हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि कस्टम फॉर्मेटिंग में हमारे पास मतलब वहां पे हम कुछ लिमिटेड चीज ही कर सकते थे, जैसे कि नंबर की फॉर्मेटिंग करना, डेट टाइम वगैरह करना, पर जैसे कि बैकग्राउंड कलर करना, बॉर्डर करना, फॉन्ट कलर करना, फॉन्ट इफेक्ट देना, ये सब चीजें उसमें नहीं था। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग इसको फुलफिल करता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग मतलब कि फॉर्मेटिंग विथ कंडीशन। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है हाईलाइट करने के लिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपके जो बिलो टारगेट, जो टारगेट आपका टारगेट से बिलो जिन्होंने सेल किया है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए, टारगेट से ऊपर अचीव किया है जो गेनर है उसको अलग कलर से हाईलाइट हो जाए। क्यों? ताकि जैसे कोई रिपोर्ट को खोले, फाइल को खोले, तो उसको ढूंढना ना पड़े, उसको कंपेयर ना करना पड़े, बस देखे और समझ जाए। जैसे कि शेयर मार्केट में जिसका जिसका प्राइस ऊपर जाता है तो एरो का निशान ऊपर की तरफ होता है, जिसका डाउन जाता है डाउन की तरफ होता है, तो हम लोग देख के समझ जाते हैं अच्छा ये ऊपर जा रहा है, अच्छा ये नीचे आ रहा है, तो हम कंपेयर नहीं करते। तो सेम चीजें हम कनेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब इसको करने के लिए हमारे पास एक डेटा होना जरूरी है। तो चलिए अब सबसे पहले एक डेटा डाउनलोड करते हैं, यहां से आर डेटा नाम का एक हमने ले लिया। आर डेटा ऑलरेडी है, ओके सॉरी, ये फाइल ऑलरेडी है हमारे पास। डेटा हम उठा रहे हैं, इसे वैल्यू कर दिया ताकि उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आ जाए। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आपको डेटा एरिया सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अब देखिए नॉर्मल चीज में जाइए कि हमने इसको सेलेक्ट किया और यहां से फॉर्मेट कर दिया, जो भी फॉर्मेटिंग चाहे कलर हो बॉर्डर कुछ भी कर दिया, तो इस फॉर्मेटिंग को इससे कोई मतलब नहीं है आपका कि यहाँ पे क्या वैल्यू टाइप है, उसे फॉर्मेट कर दिया। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करेगा और बार बार वो अपडेट भी करता रहेगा। जैसे कि मैं चाहता हूं जो ग्रेटर देन 50 है वो हाईलाइट हो जाए, मतलब हमें कंपेयर ना करना पड़े, बस मुझे दिख जाए कि ग्रेटर देन 50 है। सबसे पहले जिस एरिया में आपको फॉर्मेटिंग लगाना है उस एरिया को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं। और कंडीशन फॉर्मेटिंग में कई सारे कैटेगरी है, जैसे हाईलाइट, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर स्केल। इसमें आपके सामने दिख रहा है हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें हम यहाँ ग्रेटर देन पे जाएंगे और यहाँ पे 50 डाल दिया, कंडीशन डाल दिया। साथ में यहाँ कलर, एक डिफॉल्ट कलर आ जाता है, लेकिन डिफॉल्ट कलर के बाद भी आप कलर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको येल्लो है, यहाँ आपको ग्रीन है, ऐसे डिफॉल्ट कलर है, लेकिन मैं कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा और खुद के कलर चूज करूंगा और उसी कलर से हाईलाइट होगा। फिलहाल मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि और भी चीजें हाईलाइट करके दिखाने हैं आपको। एक चीज और जान लीजिए, से मैंने यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 50 करके कंडीशन दे दिया, तो अब ऐसा नहीं कि फॉर्मेट अप्लाई हो गया, ये बार बार अपडेट भी करेगा। जैसे मान लीजिए 70 जो है वो आपका हो गया 41, एंटर मार दे फॉर्मेटिंग हट गया, क्योंकि 41 इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है ग्रेटर देन 50 का। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि ये 33 है, अब ये मान लीजिए 73 हो गया, तो इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग इसलिए अप्लाई करते हैं कि एक बार हमने कंडीशन सेट कर दिया वो ऑटोमेटिक वो फॉर्मेटिंग करता रहता है, फॉर्मेटिंग को हटाते रहता है, हमें बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई एक क्राइटेरिया में आ रहा है तो इस पे फॉर्मेटिंग करना है, इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो फॉर्मेटिंग नहीं करना है।
ये सारा चीज आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक करता है। एक बार कंडीशन देख लेते हैं, ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन, ये बताने की जरूरत नहीं करता है क्या है, सिंपल सी है। लेस देन छोटे बाउंड को करेगा, बिटवीन दो वैल्यू के बीच को करेगा। अप्लाई कैसे करना है, सिंपल क्लिक कीजिए, अपना कंडीशन डालिए और अपना फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कीजिए। प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग लेना है तो प्री डिफाइंड लीजिए, खुद के फॉर्मेट लेने हैं तो कस्टम में चले जाइए। इतना समझ में आ गया आपको? अब जी इसमें क्वेश्चन आता है क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो आपका ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन है, इसमें आप सिर्फ नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते। टेक्स्ट मतलब इसमें आप ए बी सी डी वगैरह जो है वो नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रेटर देन कविता, नहीं ये नहीं हो सकता। डेट, अगर डेट डालना हो तो डेट डाल कैसे डालेंगे आप, डेट हम कैसे डालेंगे, तो डेट के लिए आपको यहां सेलेक्ट कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां पे हम करते हैं जैसे ग्रेटर देन को डेट से बड़ा डालना हो तो 19 का डेट एग्जाम करता हूँ, नवंबर का डेट डाल देता हूँ ताकि पता चले। यहाँ पे मान लीजिए मैं 15 करना है तो ग्रेटर देन, जिस फॉर्मेट में डालेंगे उस फॉर्मेट में जाएगा। या फिर मान लीजिए मैं 11/15 डाल दिया तो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, लेकिन इक्वल टू जो होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें से 85 को हाईलाइट करना है, इक्वल 85। या फिर मुझे मान लीजिए मुझे इसमें से जस्ट एमबी को हाईलाइट करना है, इक्वल टू एम। एमबी को हाईलाइट कर लेते हैं। उसी तरह से आप एग्जैक्ट डेट हाईलाइट करना है तो यहां पे इक्वल टू, जैसे मुझे 8 नवंबर को करना है, एग्जैक्ट सेल देखिए। इसमें दिक्कत होता है, जैसे हम यहीं पे कर लेते हैं, दिल्ली है और कहीं पे न्यू दिल्ली है, इक्वल टू अगर यूज किया और मैंने बोला यहां पे दिल्ली, तो हमारा न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। अगर मैंने न्यू दिल्ली किया फिर दिल्ली हाईलाइट तो ही होगा। लेकिन क्या होता है कि दोनों एक ही है, दिल्ली और न्यू दिल्ली हम एज यूज एक ही करते हैं, इसका कोई अलग अलग नहीं है। आपके ऑफिस में भी या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो एक ही नाम के दो प्रोडक्ट होंगे, या हो सकता है किसी ने आपके पर्सन के फर्स्ट नेम डाला है, किसी ने फर्स्ट एंड लास्ट नेम भी डाल दिया, बट दो बहुत आता फर्स्ट पर्सन सेम है आपका, तो वहां पे हम यूज करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। जी हाँ, इक्वल टू के जस्ट नीचे आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। तो इसमें मैंने दिल्ली लिख दिया, दिल्ली सिलेक्ट कर दिया। यहां देखिए दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइटेड है सर, कंटेन हो गया कि दिल्ली इसके अंदर कहीं भी हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, मिडल हो, एंड में हो, या किसी के साथ लगा हो, वो हाईलाइट कर देगा। तो टेक्स्ट दैट कंटेन का इस्तेमाल हम यहां पे करते हैं। इज योर डाउट? नो। हम बात करते हैं डेट ऑफरिंग की। जी हाँ, अगला आता है डेट ऑफरिंग। अब डेट होता है, जैसे मान लीजिए मुझे आज की डेट हाईलाइट करनी है, तो आपने इक्वल टू पे गए 11/30 कर दिया, आज की डेट यहाँ नीचे देखिए हाईलाइटेड है। बट क्या ये डेट कल जो चेंज होगी, क्योंकि तो कल की डेट तो फिर 1 दिसंबर हो जाएगा, लेकिन ये तो फिक्स है। तो हम चाहते हैं कि मेरे सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलता रहे, आज की डेट या कल की डेट या नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट मंथ का या प्रीवियस मंथ का या दिस वीक का, ऐसे कंडीशंस पे मेरा चलता है।
उस केस में आपके सामने आता है टेक्स्ट डेट ऑफरिंग, ए डेट ऑफरिंग में टेक्स्ट दैट कंटेंट के जस्ट नीचे ए डेट ऑफरिंग है। ए डेट ऑफरिंग पे आइए तो यहाँ पे स्टडे है, टुमारो है, इन द लास्ट सेवन डेज है, लास्ट वीक है, दिस वीक है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, इस तरह डेट। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया टुडे, तो आज 30 है, जैसे कल फाइल खोलूंगा 1 दिसंबर हो जाएगा, कल के बाद खोलूंगा तो 2 दिसंबर, डेट से कनेक्टेड होगा। और फॉर्मेटिंग तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आप। तो आपको डेट ऑफरिंग समझ में आ गया पुनीत जी? जी जी सर। सागर जी आपको, सॉरी संग्राम जी आपको आया? जी सर। जी सर, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। चलिए अब इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट। जैसे मान लीजिए एक सिलेक्टेड एरिया में कोई नंबर मोर देन वन टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहां डुप्लीकेट वैल्यू से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, यहां पे डुप्लीकेट वैल्यू। तो जो जो नंबर मैच होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा सर। जैसे एग्जांपल नंबर के अंदर जो डिफरेंस होगा वो भी मैच हो जाए। नहीं नहीं एग्जैक्ट सेल, देखिए डुप्लीकेट वैल्यू लगा दिया ना, ये कि मैं अपना मोबाइल नंबर ऊपर अभी A1 में डाल दिया तो हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा हाईलाइट हो जाएगा। सेम नंबर होगा, उस नंबर के अंदर जो डिजिट्स होगा तो डिजिट नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ना 91 और 888, नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, एग्जैक्ट सेल वैल्यू को करता है। और दोनों हाईलाइट करेगा, अगर 3 बार डाल दिया आपने तो तीनों हाईलाइट कर देगा। इसका यूज हम इस चीज से चेक करने के लिए कर सकते हैं कि भाई कोई एंट्री मोर देन वन टाइम तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप सैलरी का डेटा ले रहे हैं, आपको ये देखना है कि अकाउंट नंबर मल्टीपल टाइम तो नहीं है, जरूरी है ना सर ये देखना। ऐसा पता चला कि बंदे को सैलरी 2 बार भी चली गई अकाउंट में, या कोई एम्प्लॉय कोड 2 बार तो रिपीट नहीं हो रहा है, के लिए हम इस्तेमाल। तो आपको हाईलाइट सेल्स ग्रुप में पता चल गया कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑर्गनिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। इनमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं सर। क्लियर है जी। अगला आता है टॉप बॉटम, मतलब कि मुझे इसमें से टॉप 10 अमाउंट चाहिए, तो हाईलाइट यहां पे टॉप 10, जो टॉप 10 होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। या करना चाहे तो यहां पे नंबर चेंज कर सकते हैं, और टॉप 20 करना चाहे तो टॉप 20 कर सकते हैं, तो यहां इसका यूज कर सकते हैं। यहां देखिए कंडीशन भी ले सकते हैं उसी तरीके से। यहां हमारा बॉटम 10% बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10 में क्या है कि जो सबसे लोएस्ट होगा। अब इसमें एग्जांपल यहां पे एक प्रॉब्लम देख लीजिए, 85 अगर 2 टाइम 3 टाइम है तो तीनों हाईलाइटेड होगा, ठीक है। इसमें आपको टॉप 10% एंड बॉटम 10% है, यदि इसके लिए आपको परसेंटाइल फार्मूला समझना होगा। हालांकि परसेंटाइल फॉर्मूला हम अभी नहीं पढ़े हैं, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी आती है अबव एवरेज की, जो सिलेक्टेड कॉलम है उस एवरेज, क्या है एवरेज 337, तो अबव क्या 337 से ऊपर है उसको हाईलाइट कर देगा। ये है बिलो एवरेज, उससे नीचे को हाईलाइट कर देता है। और कल के रेट में आपका अगर चेंज होता है, मान लीजिए कल के रेट में ऐसा हुआ कि आपका डेटा चेंज हुआ, एवरेज चेंज हुआ, तो ये भी अपने आप को चेंज कर देगा।
तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में वो एवरेज कैलकुलेट करते रहता है। अब बात करते हैं डेटा वार्स की। अब देखिए डेटा इस पे हम कंपेयरिंग के लिए चार्ट तो नहीं लगा सकते ना सर, क्या चार्ट लगा सकते हैं? समझ भी नहीं आया चार्ट। अगर मान लीजिए कि इंसर्ट करके कोई कंपेयर करने के लिए हम चार्ट अप्लाई करें तो पता ही नहीं चल रहा है ना सर, पता चल रहा है कुछ? एक ही डाटा बोले। देखिए यहाँ पे जो है डेटा बार लगा देते हैं। डेटा बार लगाने से क्या होगा कि ये आपको बार कैलकुलेट करके दे देगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका क्या फिगर है। जैसे ये देखिए टॉप पर है, हाईएस्ट है सबसे, ये मिडल है, ये मिडल से भी नीचे है, ये देखिए पूरा बॉटम है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पूरे डेटा में ये नंबर जो है कहां पे पोजीशन रखता है ये डेटा बार से। अगर मैं इसको अलग दिखाना चाहूं आपको, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको सेलेक्ट किया और यहां पे हमने डेटा बार, दिस इज अ नंबर बार भी हमारा बढ़ रहा है। और इसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे कलर स्केल होता है। देखिए डेटा सब कुछ सेम है, बस कलर और शेप अलग अलग है, बाकी सब मेजर वही है। सेम कलर स्केल भी वही काम करता है, लेकिन कलर डोनेट करता है रेड टू ग्रीन। जैसे जैसे रेड हो रहा है, रेड कम हो रहा जाता जा रहा है, नंबर बढ़ रहा है, जिससे ग्रीन की तरफ, ग्रीन नंबर जितना ज्यादा ग्रीन है उतना ज्यादा हाइएस्ट। देखिए आप एक जेट दिखाना चाहते हो तो सिंपल सा आइकन इस्तेमाल कर, बॉटम मिडल टॉप, बॉटम मिडल टॉप, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास क्वार्टर वन है एंड क्वार्टर टू है। क्वार्टर टू यहाँ पे सेल है, तो इसकी कंपेयरिंग दिखाने के बजाय आप इसको सिलेक्ट करें और अपना आइकन से इस्तेमाल कर लें। जैसे मान लीजिए कि ये अगर 24 होता है तो अपने आप स्वेप हो जाएगा ना सर जी। दिस इज डैशबोर्ड, बड़े डेटा पे नहीं डैशबोर्ड में इस्तेमाल होता है। इसमें और भी बहुत सारे कलर आइकन के पूरे डिजाइन्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अभी आपने सीखा हाईलाइट सेल्स रूल्स, आपने सीखा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑर्डरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। टॉप बॉटम रूल्स में आपने सीखा टॉप 10, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। उसके बाद आपने डेटा वर्क को सीखा और उसके बाद आपने क्रश स्केल के बारे में जाना, साफ में जाना आइकन सेट को। डाउट इसमें? नो। अब बात करते हैं मैनेज रूल्स। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले कि जो पहले से लगी फॉर्मेटिंग है उसको अगर क्लियर करना, देखिए यहाँ पे क्लियर रूल्स आता है, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, मतलब जो सिलेक्टेड सॉरी जो सिलेक्टेड सेल है उसकी कंडीशन वर्टिंग को रिमूव कर देना है, एंटायर सी आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं करना है मुझे, चेंज करना, मान लीजिए उसकी कलर जो है वो ग्रीन कर देनी है, तो उसके लिए आपको जाना होगा मैनेज रूल। मैनेज रूल में जब आएंगे तो यहां पे आपके सामने आएगा डुप्लीकेट वैल्यू, जो भी कंडीशन वर्टिंग आपने लगा रखा होगा सिलेक्टेड सेल में या एंटायर दिस वर्कशीट में, आपको सरा दिखेगा। बाय डिफॉल्ट क्रेडिट सिलेक्शन होता है, इसमें डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप जो चूज करना चाहे, जो कलर देना चाहे, जो चेंज करना चाहो आप वो चेंज कर सकते हैं। ओके सर जी। दूसरी चीज होता है कि मान लीजिए कि हम एक जगह पे मोर देन वन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, समझे? जैसे आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे सर।
आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, समझ नहीं आया। संग्राम जी आपको मैं आवाज ब्रेक कर रहा हूँ? नहीं नहीं ठीक आ रहा है। बनी जी आपके आंसर प्रॉब्लम होगा इंटरनेट में। बोलिए सर। जैसे मैं बात कर रहा था मोर देन वन कंडीशन अप्लाई करने का, जैसे जी सर मुझे इसमें हाईलाइट करना है कि 22 वाला भी हाईलाइट हो जाए, 10 भी हो जाए, 11 भी हो जाए, ऐसे ऐसे सिलेक्टेड नंबर्स है जो हाईलाइट करने हैं। मोर देन वन कंडीशन, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। हमारे पास 5-6 सिलेक्टेड नंबर्स है उसको हाईलाइट। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने लगाया न्यू रूल्स इक्वल टू, आपने बोल दिया कि भाई 20 यहाँ पे 22 हाईलाइट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसी पे एक और लगा सकते हैं कि भाई 18 भी हाईलाइट हो जाए, फिर एक लगा सकते हैं कि भाई इक्वल टू 74। एक ही सेल पे कई सारे कलर दे सकते हैं, ठीक है। हेलो जी सर। अभी आप मान लीजिए कि मुझे क्या करना है कि ग्रेटर देन 10 को हाईलाइट करना है, फिर ग्रेटर देन 20 को हाईलाइट करना है, फिर ग्रेटर देन 30 को हाईलाइट करना है। आप यहाँ पे जो है ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर देन 10 कर दिया, 10 में हमने कलर दे दिया फॉर्मेट सेल में, मान लीजिए मैं यहां ग्रेटर देन 20 देता हूं और कस्टम फॉर्मेटिंग में 20 में यहां पे ब्लू कलर दे देता हूं, ग्रेटर देन 50। हम अलग कलर दे देते हैं, यहां मैनेजमेंट में देखिए सीक्वेंस में जा रहा है। लाइक ऐसा तो हो सकता था ना कि ग्रेटर देन, अगर मान लीजिए कि ग्रेटर देन 10 है तो ग्रेटर देन 20 टू ग्रेटर देन 10 है, 50 टू ग्रेटर देन 10 है। तो जब ये पहला अप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाला फिर उसको ओवरलैप कर दे रहा है, फिर ये जो अप्लाई कर रहा है उसको ये ओवरलैप कर दे रहा है। अगर मैं 10 को सबसे ऊपर कर दूं यहां से मूव करके, तो देखेंगे कि सब में ग्रीन कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों कलर को ये ओवरलैप कर रहा है। तो जब दो कंडीशन मिलता है, अगर एक कंडीशन दूसरे कंडीशन को ओवरलैप कर रहा है, तो ये आपसे बरकरार रखिएगा। समझ गए सर? पुनीत जी समझ में आया आपको? नहीं जी समझ नहीं समझ। यहाँ पे सिंपल सी बात देखिए, मुझे दो चीज अप्लाई करनी है। तो थोड़ा आवाज कट रहा है अभी, अप डाउन हो रहा है। स्पीड तो सही है इंटरनेट की, एक मिनट स्पीड देख लेता हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या चाहिए सर? ठीक है आवाज मेरी सर? जी जी सर जी सर। तो मैं बता रहा था आपको कि ग्रेटर देन, यहां से मैं ग्रेटर देन, मैं यहां आपने मान लीजिए 10 कर दिया, ऊपर वाले सारे हाईलाइटेड हो गए। तो वापस मैंने ग्रेटर देन 20 किया, इसमें मैंने येलो कर देता हूं। अब यहां देखिए, अब यहां पे चेक कर दिख रहा है आपको सर? मैं यहां पे हटा देता हूं, ऐसे यहां पे देता हूं कलर। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 से ऊपर वाला को येलो कलर हो गया,
10 से ऊपर, 10 से ऊपर वाला जो था तो सब कुछ था, 62 32 सब था, उसको भी हाईलाइट हुआ था, बट 20 मैच किया वो उसको ओवरलैप कर दिया। अगर मान लीजिए मैं इसको नीचे कर देता हूं तो अब आप देखेंगे कि 20 का कुछ रहेगा ही नहीं, सब रेड हो जाएंगे, हो गया ना। 20 वाले को भी 10 वाला ओवरलैप कर रहा है, ओके, समझे। मतलब जो फर्स्ट रहेगा वो सब पे एप्लीकेबल रहेगा। ठीक, हाँ जी हाँ, जो ऊपर में रहेगा वो सबसे इफेक्टिव पहले रहेगा, ठीक है। जी। अब इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन पहले आप जो आज जो चीजें बताई है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है सर। फिर जी बताएंगे मोर रूल्स के बारे में, इसमें और भी चीजें हैं, और भी चीजें इसमें और फीचर्स हैं, फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हैं, ये चीजें हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे सर, ठीक है। तो इसका वीडियो, अगर वीडियो हो तो आप भेज देना तो हम देख लेंगे एक बार। नहीं, ठीक है, मैं इसका वीडियो थोड़ी देर में यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। ये नहीं, आप जो कल सिखाने वाले हो ना अच्छा चलो उसका, ठीक है, मैं हाँ उधर ढूंढना पड़ेगा मुझे एक बार, हाँ तो वो एक बार आइडिया अच्छा रहेगा फिर। मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय, गुड जी, गुड नाइट सर, गुड नाइट।